हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब ठीक और हैप्पी रहोगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 1.5 फीट के टैंक में हम लोग कौन से फिशेस रख सकते हैं और कितने क्वांटिटीज में हम लोग रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे मैं 25 एक्वेरियम फिशेज है वो शेयर करने वाला हूँ, तो आपको आइडिया जाएगा कि पर्टिकुलरली मैं एक एक्वेरियम फिश रखता हूँ तो मैं कितने क्वान्टिटी में रख सकता हूँ। 1.5 फीट का टैंक है, यूजली आपको हर एक के एक्वेरियम हॉबीस्ट के पास आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो भी एक्वेरियम हॉबीस्ट है वो अगर अपनी एक्वेरियम की हॉबी शुरू करना चाहता है तो एक प्रिपर करते हैं कि ज़्यादा मैं एक बड़ा भी टैंक नहीं लूँ, ज़्यादा मैं एक छोटा भी टैंक नहीं, तो एक डिसेंट साइज का 1.5 फीट का टैंक है वो माना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहे तो उसको आप प्रेस करो, क्योंकि ऐसे में एक्वेरियम फिश रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि 1.5 फीट के टैंक में आखिरकार कौन से ऐसे 25 फिशेज है जो हम लोग रख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पहले स्टार्ट करके टेट्रा वेराइटीज के साथ। टेट्रा वेराइटीज है वो आपको ये पता है कि एक ग्रुप में रखी जाती है, एक स्कूलिंग फिश रहते हैं वो लोग, शोलिंग फिश रहते हैं। तो आपको मैं एक एक करके मैं आपको टेट्रा जितने भी जो वेराइटीज है उसके नाम बता दो, उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कितने क्वांटिटीज में हम लोग रख सकते हैं। पहला है ब्लैक स्कट टेट्रा, जिसे विडो टेट्रा भी बोलाते हैं, तो आप 6 क्वांटिटी में रख सकते हो। 6 क्वांटिटी मैं एक स्कूलिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक ग्रुप में रहने वाली फिशेज है, तो 6 क्वांटिटी रहेगी आपके 1.5 फीट के टैंक में तो दिखेगी भी अच्छी, और अगर आपके टैंक में सेटअप भी अच्छा रहेगा तो एक गेटअप अच्छा रहेगा। बाद में है रेड आई टेट्रा, तो रेड आई टेट्रा सेम आप 6 क्वांटिटीज में आप रख सकते हो आपके 1.5 फीट के टैंक में। बाद में है पेंगुइन टेट्रा, जिसको आप 6 क्वांटिटी में रख सकते हो आपके 1.5 फीट के टैंक में। उसके बाद है कार्डिनल टेट्रा और नियॉन टेट्रा, तो इन दोनों की जो क्वांटिटीज है वो एक एक करके आप 8-8 क्वांटिटीज आप रख सकते हो आपके 1.5 फीट के टैंक में। और लास्ट है हमारे टेट्रा वेराइटीज में एम्बर टेट्रा, तो एम्बर टेट्रा की आप 10 क्वांटिटी आपके 1.5 फीट के टैंक में रख सकते हो। बाद में हम लोग बात करेंगे लाइव बैरर फिशेज की, तो लाइव बैरर फिशेज रखने से पहले मैं आपको एक सजेशंस देना चाहता हूँ कि अगर आप 1.5 फीट के टैंक में लाइव बैरर कोई भी फिशेस रख रहे हो जो मैं आपको आगे जाके बताने हो, तो प्लीज़ एक स्पेयर में टैंक एक रेडी करके रखें, क्योंकि लाइव बैरर फिश है इजी टू ब्रीड रहती है और वो पर मंथ बेबीज देते हैं, तो आपको स्टॉक करने के लिए आपको अलग से टैंक्स का आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हो। तो अभी शुरू करते हैं लाइव बैरर फिश। तो पहला है मॉली फिश, जिसमें आप 2 फीमेल और 1 मेल आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे जानबूझ के क्वांटिटी है आपको मैं कम सजेस्ट करता हूँ, अगर 2 मॉली फिशेस के अगर आप पर मंथ बेबीज भी देखोगे तो एटलीस्ट वो बेबीज कम से कम 20 देंगे। 20 अगर बच्चे उसको और फुल्ली रेस कर दो तो उसमें एटलीस्ट कम से कम 5 आपके बच जाएंगे। मैं कम से कम का रेशो में पकड़ के जा रहा हूँ, उतना स्टॉकिंग करने के लिए आपके टैंक में स्पेस चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मॉली फिश में 2 फीमेल रखो 1 मेल रखो, बाद में क्वांटिटी आपके टैंक में रेज होती जाएगी, तो आपको स्टॉकिंग करना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार अगर ज़्यादा स्टॉकिंग हो गया आपके 1.5 फीट के टैंक में तो फिशेज आपके टैंक में ओवर स्टॉक हो जाएगा और उसके बाद एक एक करके मरने को स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपको इमिडिएटली एक बड़ा टैंक आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 फीमेल रखो मॉली फिश में, 1 मेल रखो। उसके साथ सेम सॉल्टेड फिश का भी बताता हूँ कि 2 फीमेल रखो 1 मेल रखो। उसके बाद प्लेटी फिश है, प्लेटी फिश के आप सेम 3 फीमेल रखो 1 मेल रखो। और बाद में है गप्पी फिशेज, जिसके आप 3 फीमेल रख सकते हो 1 मेल रख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेल से मैं एक एक क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ कि एक एक क्वांटिटी में रख सकते हो, बट अगर ऐसा हो जाता है कि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि मेल चेसिंग करना ही छोड़ देता है फीमेल को, तो उस केसेस में आपको 1 मेल ऐड करने का है या फिर आपको 1 मेल है वो रिप्लेस करने का है, तो आप ये ध्यान में रख के चलो। बाद में हम लोग बात करेंगे रास बोरा फैमिली की, तो यहाँ पे रास बोरा फैमिली में 2 एक्वेरियम फिशेज है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो 1.5 फीट के टैंक में आप रख सकते हो। तो पहला है हार्लिक्यून रास बोरा, जिसके आप 8 क्वांटिटीज रख सकते हो आप 1.5 फीट के टैंक में। उसके बाद है चिली रास बोरा, जो कि आप 10 क्वांटिटी में रख सकते हो आपके 1.5 फीट के टैंक में। बाद में हम लोग बात करेंगे बॉटम ड्वेलर फिश की, तो बॉटम ड्वेलर्स में मैं कुछ यहाँ पे 5 जो एक्वेरियम फिशेस है वो मैं आपको मैं आगे जाके बताता हूँ। पहला है ब्रिस्टल नोज प्लेको, तो ब्रिस्टल नोज प्लेको आप
फोर क्वांटिटीज में रख सकते हो आपके 1.5 फीट के टैंक में। बाद में है कोरिडोरस, तो कोरिडोरस कैटफिश आप रख सकते हो 4 क्वांटिटीज में आपके 1.5 फीट के टैंक में। उसके बाद है कूली लोचेस, तो कूली लोचेस भी आप रख सकते हो आपके 1.5 फीट के टैंक में 4 क्वांटिटीज। और उसके बाद है जेबरा लोचेस, तो जेबरा लोचेस सेम आप 4 क्वांटिटीज में रख सकते हो। उसके बाद है लास्ट मेरा जो बॉटम ड्वेलर फिश है वो है ऑटोसिनक्लस कैटफिश, तो ऑटोसिनक्लस कैटफिश आप रख सकते हो 5 क्वांटिटीज में 1.5 फीट के टैंक में। उसके बाद है चेरी बाब, तो चेरी बाब फिश आप रख सकते हो 6 क्वांटिटीज में 1.5 फीट के टैंक में। उसके बाद है वाइट क्लाउड माउंटेन माइनस, तो वाइट क्लाउड माउंटेन माइनस आप रख सकते हो 6 क्वांटिटीज में आपके 1.5 फीट के टैंक में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे श्रिम्प्स की, तो श्रिम्प्स आप रख सकते हो 10 क्वांटिटी में 1.5 फीट के टैंक में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्नेल्स की, तो 10 क्वांटिटी में आप रख सकते हो 1.5 फीट के टैंक में। हम लोग बात करेंगे फीमेल बेटा की, तो फीमेल बेटा आप रख सकते हो 4 क्वांटिटीज में 1.5 फीट के टैंक में। और उसके बाद मैं बात करता हूँ मेल बेटा की, अगर मेल बेटा रखना चाहते हो आपके 1.5 फीट के टैंक में तो आपको ओनली 1 क्वांटिटीज रखने का है आपके 1.5 फीट के टैंक में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्वार्फ पेंसिल फिश की, तो ड्वार्फ पेंसिल फिश आप रख सकते हो 10 क्वांटिटी में आपके 1.5 फीट के टैंक में। और जो लास्ट है वो यहाँ पे मैं गुरामी फिश का एक वेराइटीज ऐड करने को जा रहा हूँ, उसका नाम है ड्वार्फ गुरामी। ड्वार्फ गुरामी आप 2 क्वांटिटी में रख सकते हो 1.5 फीट के टैंक में। ये मेरे कुछ 25 एक्वेरियम फिशेस थे जो मैंने आपको सजेश किए कि आप 1.5 फीट के टैंक में एज अ क्वांटिटी वाइज आप रख सकते हो। उसके साथ मैंने आपको हर एक क्वांटिटी का आपको मैंने बायफरेशन भी करके दिया जो कि आपको आसानी से समझे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ से मैं एंड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।